शुक्र है आंटी को सिर्फ गैस्ट्रिक इशू था, कुछ देर अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के घर भेज देंगे वापस। बहुत शुक्रिया आप आ गई। बस जल्दी जल्दी मैं आपको और मोना को ही मैसेज कर सका। मैं तो आ गई लेकिन मोना नज़र नहीं आ रही। उसकी फ्लाइट है आज, वो वापस कराची शिफ्ट हो रही है, ओह इसीलिए नहीं आ सकी। अच्छी बात है। जी नहीं वो मेरा मतलब था कि अपने घर वालों के साथ रहेगी तो ज्यादा खुश रहेगी ना। जी कुछ खाएंगे आप? नहीं नहीं थैंक यू। तो तुम आ गई। मैं आ गई मम्मी। अब व्हाट्स नेक्स्ट? जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करके डिनर पे बुलाना है, एंड फायरवर्क्स वो भी तो जरूरी है। आपसे ज्यादा खुश कौन होगा इस वक्त? मोना मैंने तो तुम्हें कितना समझाया था ये बेवकूफी मत करो, लेकिन तुम्हें समझ कहाँ आती है। आप मेरे दुआ भी तो कर सकती थी ना मामी, आपने कभी मेरे लिए दुआ नहीं की। दुआ मैं जरूर करती मोना, अगर दुआ करने का कोई फायदा भी होता। मामी हम दुआ में भी फायदा और नुकसान देखती हैं। हम वक्त इसी की कैलकुलेशन, क्या फायदा है क्या नुकसान है। डोंट बिलीव यू मामी। मोना तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम हार गई हो। ना कोई ढंग की नौकरी मिली, ना कोई अच्छा लड़का तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मायूस होकर वापस आ गई हो और सारा नजला मुझ पे उतार रही हो। ये सब मेरा फेलियर नहीं है मम्मी। अगर मैं हारी हूं तो मेरे साथ आप भी हारी हैं। आपकी इस परफेक्ट फैमिली में बस मैं ही इम्परफेक्ट हूं। मैं इसको बदलना चाहती थी, आपने मुझे बदलने नहीं दिया। आपने मुझे बदलने नहीं दिया। मोना कुछ भी कह जा रही हो, मैंने तो तुम्हें कभी किसी चीज से रोका ही नहीं। अभी मैं इंतजार करती रहती कि किस दिन आप मुझे शाबाशी देंगे, किस दिन आप मुझे मोटिवेट करेंगे। आपने मुझे आज तक कभी मोटिवेट नहीं किया। चलो आप कर लेती हूँ, लेट्स फोकस ऑन यू। मेरी एक दोस्त है, वो तुम्हें पूरा वेट लॉस का प्रोग्राम बताएगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम्हें कंप्लीट मेकओवर देगी। अभी फिर देखते हैं क्या होगा। तुम सारी जिंदगी ये समझती रहीं कि मम्मी के परफेक्शन ने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को इफेक्ट किया है। उस परफेक्शन का बोझ मैं भी उठाती रही हूं मोना। बाबर से मोहब्बत से ज्यादा मैं इसलिए खामोश रही थी क्योंकि वो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं एक परफेक्ट घर में एक आइडियल हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मम्मी को कभी भी शर्मिंदा होना पड़े।